हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास ट्वेल्थ के लिए सरफेस केमिस्ट्री का एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं एंड दिस टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। बच्चे, एड्सॉर्प्शन के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल स्टडी करी है कि एड्सॉर्प्शन क्या है, कितने टाइप का हो सकता है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोस्फीयर क्या, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर स्टडी की है। हमने कहा एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्प्शन, ये एक दूसरे से इंटरलेटेड टर्म्स हमने बात करी है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन। वैसे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी हो सकता है जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है वन मार्क क्वेश्चन में, कहीं पर इनमें से कोई एप्लीकेशन देके आपसे पूछ लें कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस या फिनोमेना यूज होगा। इसके लिए मैं आपको इसको फटाफट डिस्कस करने वाली हैं। देखिए बच्चे, हमने बात करी गैस मास्क में यूज होता है, बिल्कुल होता है। हमने बात करी थी कि जो माइंस में वर्कर काम करते हैं वो ऐसे मास्क यूज करते हैं जिनमें चारकोल यूज किया जाता है जो पॉइजनस गैसेज को अपनी सर्फेस पर एड्सॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन एप्लीकेबल होता है। इन डिह्यूमिडाइजर फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को अगर कहीं पर भी कंट्रोल करना है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल मींस एड्सॉर्बेंट्स रख सकते हैं जो कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैंने आपको सिलिका जेल दिखाई भी थी कि जब भी आप कोई डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जब भी आप पर्स, लेदर शूज, पर्सेस वगैरह ये परचेज करते हैं या टीवी, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट परचेज करते हैं तो उसके अंदर सिलिका जेल होते हैं। क्यों? क्योंकि दे एड्सॉर्ब मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस, तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी एड्सॉर्प्शन यूज होता है। रिमूवर ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में कोई कलरिंग मैटर है उसको एड्सॉर्ब करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, एड्सॉर्प्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन से कलर एड्सॉर्ब हो जाता है चारकोल की सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिंस, अगर आपको याद है प्लस वन क्लास में हमने प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए कुछ केमिकल मेथड्स यूज़ करे थे, जिनमें एक हमने मेथड यूज़ किया था आयन एक्सचेंज रेजिंस। तो आयन एक्सचेंज रेजिंस में भी बच्चे पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंसेस, पर्टिकुलर टाइप के आप बोल सकते हो आयंस को अपनी सरफेस पर क्या कर लेते थे, एड्सॉर्ब कर लेते थे, तो वहां पर भी दैट वाज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिंस, बिकॉज पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द रेजिंस। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हेबर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, वहाँ पे हम आयरन को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो वहाँ पे जो आयरन है वहाँ पे अपनी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन करता है, किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। सिमिलरली कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और हेबर प्रोसेस से अमोनिया का सिंथेसिस होता है। तो इन प्रोसेसेस के अंदर भी SO2 वगैरह भी यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, एड्सॉर्प्शन को शो करने के लिए। हाई वैक्यूम अगर कहीं पर क्रिएट करना है, मीन्स कहीं पर बिल्कुल कम्प्लीटली वैक्यूम क्रिएट करना है, वहाँ से मॉइस्चर को बिल्कुल कम्प्लीटली एड्सॉर्ब करना है, तो वहाँ पर भी एड्सॉर्प्शन यूज़ किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बच्चे, ये प्रैक्टिकल एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम किसी भी आयन को, कैटायन और एनायन को, या एसिड और बेसिक रेडिकल को एनालाइज करते हैं। ये आपके 12th क्लास में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल में आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं जब आप इनको प्रैक्टिकली करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेक टेस्ट करते हैं बच्चे एल्यूमिनियम आयन के लिए, किसके लिए यूज़ करते हैं, Al3 पॉजिटिव आयन के लिए लेक टेस्ट यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है इसकी टेंडेंसी होती है टू एड्सॉर्ब लिटमस ऑन इट्स सरफेस। तो वहाँ पर भी कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, एड्सॉर्प्शन इज यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल, कैटायन और एनायन। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चे, आना वाला जो इससे अगला हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे सल्फाइड ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक टेक्निक पढ़ते हैं, एक मेथड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल यूज़ किया जाता है, और उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो एड्सॉर्ब, वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पर भी एड्सॉर्प्शन होता है, इसको हम आने वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको वहाँ समझ में आ जाएगी अच्छे से। क्योरिंग ऑफ डिजीज़, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी बनाई जाती हैं
जो कि एड्सॉर्प्शन पर वर्क करती हैं. क्यों? क्योंकि जो जर्म्स होते हैं दे गेट एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द ड्रग्स एंड वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू किल द जर्म्स, दैट इज एड्सॉर्प्शन इज यूज फॉर ट्रीटिंग वेरियस डिजीज बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन. सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेज, हमें मालूम है कि गैसेज जो हैं, चारकोल जो होता है वो गैसेज को अपने सर्फेस पर एड्सॉर्ब करता है और उनके ऊपर जो गैसेज एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी है वो अलग अलग हैं. कुछ गैसेज ज़्यादा इजीली एड्सॉर्ब होती हैं, कुछ कम एड्सॉर्ब होती हैं. तो अगर हमें इनर्ट गैसेज को सेपरेट करना है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था प्रीवियस वीडियो में कि जो गैसेज जैसे अमोनिया है उसका ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होता है, हीलियम नियोन, आर्गन, ज़ीनोन, क्रिप्टॉन, उनको आप अलग अलग कोकोनट चारकोल से सेपरेट किया जा सकता है. मीन्स कोकोनट चारकोल लिया जाता है और उस पर इन गैसेज को एड्सॉर्ब करवाया जाता है. और क्योंकि इन सभी की एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी अलग अलग होती है और इस तरीके से आप इनर्ट गैसेज को क्या कर सकते हो, एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हो. फाइनली इन द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, जो क्रोमेटोग्राफी हम करवाते हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या है, कलर सेपरेशन की टेक्निक है. बेसिकली सिर्फ कलर सेपरेशन नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं क्रोमेटोग्राफी में. ये वाली टेक्निक भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं, इवन इनफैक्ट प्लस वन में भी शायद हम क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करते हैं. तो क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाता है ना, तो उसकी मूवमेंट की टेंडेंसी जो होती है, हमने क्या लिया, एक लेयर ली, हमने कहा एक फिक्स लेयर बना दी. अब इस फिक्स लेयर पर कुछ सब्सटेंसेस के एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा, और कुछ की क्या होती है, कम. जिनकी टेंडेंसी कम एड्सॉर्ब होने की आती है वो फटाफट नीचे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, और जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा एड्सॉर्ब होने की है वो इस पर स्टिक कर जाते हैं, है ना. क्रोमेटोग्राफी के जो फिक्स लेयर होते हैं उस पर स्टिक कर जाते हैं. तो वहाँ पर भी मीन्स मैंने एक मिक्सचर में से अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस को अलग करना है, मान लिया मेरे पास एक मिक्सचर है उसमें तीन सब्सटेंसेस है ए बी सी, उनको भी मैं एड्सॉर्प्शन टेक्निक से सेपरेट कर सकती हूँ, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे जो हम फिक्स लेयर लेते हैं, एड्सॉर्बेंट लेते हैं, उस एड्सॉर्बेंट की टेंडेंसी ए बी और सी को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करने की अलग अलग होती है, जिसके कारण जिसका एड्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा वो ऊपर रह जाएगा, जिसका सबसे कम होगा वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा, और जो बीच वाला है वो बीच में रह जाएगा. इस तरीके से आप उन कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन. यू कैन राइट मैनी मोर एप्लीकेशंस, यू कैन सर्च, आपके आसपास देख सकते हैं कि और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो एड्सॉर्प्शन की हो सकती हैं. तो बच्चे ये एक बार इसको हल्का सा रीड करना, हल्का सा इसको थ्रू आउट हो जाना, इसके जितनी भी एप्लीकेशंस हैं. और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम शुरू करेंगे कि कैटालाइसिस क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है.